अभी आठ आईब्रो है, यहाँ से इसे प्रेस करेंगे, फिर इसे थंब के थ्रू ऊपर प्रेस करेंगे, फिर ये लास्ट आईब्रो का ये जो कॉर्नर है यहाँ पे प्रेस करेंगे, पिंच करेंगे और फिर आप इसे इस तरह से ड्रॉप कर देंगे। फिर नोज की साइड्स में और ये जो हमारी हड्डी होती है ना यहाँ पर, ये चिक बोन्स यहाँ से इसे प्रेस करते हुए कान की लो तक ला के छोड़ेंगे, फिर ये इस साइड और इस साइड प्रेस करेंगे और ये लास्ट, ठीक है, ये सारे प्रेशर पॉइंट है। इससे क्या होता है, जो हमारे सोए हुए सेल्स होते हैं ना, जो सो रहे होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, सेल्स होते हैं स्किन के अंदर, सेल्स होते हैं वो कुछ मर जाते हैं अंदर ही, सही है, मुर्दा फलियात जिसे बोलते हैं ना, आपने हार्ड रोशन में पढ़ा होगा मुर्दा फलियात, उसको डेड सेल्स बोलते हैं, वो मर जाते हैं, तो उसको वो रिमूव कब होते हैं, क्लिंजर स्क्रब से रिमूव हो जाते हैं। और जो सोए हुए सेल्स होते हैं जो एक्टिव नहीं होते, उसको हम मसाज क्रीम से एक्टिव करते हैं प्रेशर पॉइंट के थ्रू, ठीक है। ये मसाज क्रीम पेनेट्रेट होगी, इसको वाइप ऑफ करेंगे या नहीं, इसको वाइप ऑफ नहीं करेंगे, एग्जैक्टली उसी के ऊपर ही मास्क अप्लाई करेंगे। मास्क अप्लाई करने के लिए हमारे पास ये रोज वाटर टोनर है, इसे हम डाइल्यूट करेंगे अपने क्रीमी मास्क में, ये इसका मास्क है, इसमें डाइल्यूट करेंगे। और मास्क को टाइमिंग नहीं होती मेरी कि जब ड्राई हो जाता है जब हम वाइप ऑफ करते हैं, ठीक है, इसकी कोई टाइमिंग नहीं, मास्क की क्वांटिटी ये है। ये रोज वाटर टोनर हम इसमें ऐड करेंगे और ये हमारा मास्क ब्रश है स्पेसिफिक का। एक तो आपको फ्लैट 46% ऑफ मिल रहा है, 6500 की किट है और आपको आज सिर्फ 3500 में मिली है, और टू किट बाय करने पे आपको एप्रन मिल रहा है स्पेसिफिक का, ये ब्रश मिलेगा आपको स्पेसिफिक का और प्रेशर बैंड मिलेगा। इसकी टिप से आपने टिप से आपको मास्क को डाइल्यूट करना है, एक भी क्लॉट्स ना रह जाए, गिठनियाँ जो बन जाती हैं वो बिल्कुल भी ना रहे, बिल्कुल ब्लेंड मेल्ट हो जाए इसके अंदर ना, डाइल्यूट करें इसको अच्छे से। रोज वाटर टोनर इतना कि बस ये इतना ज़्यादा गाढ़ा होना, ज़्यादा क्रीमी है ना, ये एप्लीकेशन में आसान है। इसकी एप्लीकेशन किस तरह करते हैं आप लोग, देखें मास्क नहीं लगा ब्रश में, एप्लीकेशन कैसे करते हैं, आईज पर मास्क अप्लाई करते हैं आप लोग या लिप्स पर अप्लाई करते हैं, क्यों नहीं करते लिप्स पर अप्लाई, लिप्स पर भी अप्लाई करना चाहिए क्योंकि डिस्कलरेशन हो जाती है ना, आईज पर नहीं करते, आईज पर क्या करते हैं फिर, आईज पर भी तो डिस्कलरेशन हो रही है, आई शेडो लगा के उसमें हम अपने जो आई पैड्स होते हैं रोज वाटर टोनर से स्वयं कवर अप कर देते हैं ताकि उसको भी रिलैक्सेशन मिले, ठीक है, रिलैक्स मिले, सारे अपवर्ड स्ट्रोक हो जाएंगे, ठीक है। तरीका ये है कि इसको थोड़ा सा अपनी फिंगर को वेट करें और बिल्कुल हल्का सा वेट करके ना फेस को हल्का सा ताकि अपनी जगह छोड़ दे और फिर बहुत हल्के हाथ से साफ कर दे, ठीक है, उसको बिल्कुल डायरेक्ट साफ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उससे रैशेस हो जाते हैं। जी दोबारा स्मूथ करना है, अगर हम डायरेक्ट फेस से उतारेंगे तो रिंकल्स स्टार्ट हो जाएंगे, खींचेगी ना हमारी
देखते हैं किस तरह लगा रही है, इस तरह आइस को रिलैक्स मिलेगा और डिस्कलरेशन लाइट होगी। ठीक है, हर चीज़ उस पर कवर अप करके फिर स्टार्ट करें।